हेलो दोस्तों, पिछली बार हमने देखा था कि हमने अनार के नीचे रखा था कांच के गिलास। इस बार हम लोग रखने वाले हैं ये मिट्टी का गिलास, जिसको यहाँ की लोकल भाषा में कुल्हड़ भी बोला जाता है। तो अनार ने कांच के गिलास को तो चंद सेकंड भी नहीं लगे थे उसको तबाह कर डाला, लेकिन देखना चाहते हैं ये जो मेरे देश की मिट्टी से बना हुआ गिलास है ये कितनी देर टिकता है। आइए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बोले क्या, तो गाइस अब हम लोग जो है इसको जलाने जा रहे हैं और इसके ऊपर रखेंगे और देखना चाहते हैं कितनी डिग्री टेम्परेचर पे ये पिघलेगा या फटेगा या केवल लाल होगा या फिर इसकी वजह से हम लोग की लाल होगी, वो तो इसको चलाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा आप कुछ भी कभी भी कहीं भी घर में या बाहर बिल्कुल ट्राई ना करें, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ओके, तो हमने इसको जलाया और ये इसके ऊपर रख दिया। तो उसका तो कुछ ज़्यादा बुरा हाल हुआ था और इसका तो भाई ये तो छूने में भी बहुत गर्म है, मतलब इसको तो टच नहीं कर सकते, उसको तो फिर भी मैं एक बार हाथ से उठा भी सकता था। इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा डेंजरस निकलने वाला है कि अनार इस कुल्हड़ के गिलास को फाड़ देगा। लेकिन फिर भी अभी भी आप देख सकते हैं इसमें चाय तो नहीं पी सकते, मगर हाँ इसको हम सिंगल पीस में अभी भी घोषित कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, मतलब अनार के अंदर इतनी पावर होती है कि वो एक मिट्टी के गिलास तक को तबाह कर सकता है। ये देखिए आप लोग, ये गया, आखिरकार ये टूट गया और ये अनार हमारा देखिए ये पूरी तरीके से खाली हो चुका है। आप ऐसा कभी भी कुछ भी घर पे या बाहर बिल्कुल भी ट्राई करने की कोशिश ना करें गलती से भी, क्योंकि आपने देखा है कि इसका रिएक्शन क्या था, जल गया। ये देखिए, मतलब जैसे ये निकला अनार को फाड़ते हुए, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मिट्टी इतनी मजबूत होती है, पक्के बनती है, फिर भी वो फट गई। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।